अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो छोटा सा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ के बारे में, दिमागी हालत के बारे में। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ है आई थिंक हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। अब इस बारे में हम लोग बात किससे करें, ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे हम लोग इस बारे में बात करें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इस हवाले से आजकल हर शख्स किसी ना किसी तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ के साथ लड़ रहा है, और वो इस चीज़ को समझ रहा है कि शायद कुछ हालात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से ही सही लेकिन पागल ज़रूर हो रहे हैं। तो आए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये मेंटल हेल्थ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरे दिमाग में ये टॉपिक कहाँ से आया कि मैं इस बारे में बात करूं, मेंटल हेल्थ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। डेज पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, डेट वॉज मोस्ट इफेक्टिव वीडियो फॉर मी, टीन एज डिप्रेशन। ये कौन सी न्यू बीमारी है? आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, बट जो 90s के पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा अजीब होती हैं कि ये डिप्रेशन क्या चीज़ है, हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ क्या है। तो हमें समझना होगा कि जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी, हमारी बीमारियाँ, हमारी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जहाँ आज हम लोग मोबाइल के ज़माने में, हम लोग इंटरनेट के दौर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने हमें अकेला करके छोड़ दिया। कैसे? एक 11-12 साल का बच्चा या एक 9-10 के लेवल का 14-15 एज का बच्चा कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? ये डिप्रेशन आखिर क्या चीज़ है? इसको इतना ज़रूर याद रखें, उन पेरेंट्स से मैं आज ये कह रही हूँ कि अगर आपका बच्चा आपको डल होता हुआ नज़र आ रहा है तो प्लीज़ उससे ब्लेम करने की बजाय उसके कंडीशन को समझने की कोशिश करें। डिप्रेशन अंदर से खा जाने वाली बीमारी, दिमाग को मफलूज करके रख देने वाली बीमारी, ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन की सिम्टम्स, इसकी लामात क्या है? किसी चीज़ में दिल ना लगना, कहीं बाहर जाने को दिल ना करना, सोशलाइज होने को दिल ना करना, दूसरों के साथ बैठने में घबराहट होना, दूसरों के साथ बात करने में घबराहट फील होना, दूसरों के साथ बात करने को दिल तक ना करना, फैमिली गैदरिंग्स का जहर लगना, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हुए आपको मौत नजर आना, दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को वक्ती बीमारी समझकर इग्नोर मत करें, अपने पास किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करें। कुछ पेरेंट्स अगर इस डर से अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते कि दुनिया क्या कहेगी, तो काइंडली आप अपने बच्चों के लिए खुद एक साइकेट्रिस्ट का रोल प्ले करें। बच्चा क्यों डिप्रेशन का शिकार होता है? एक बच्चा जो है वो स्टेज पर आता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत जिस एज में स्टार्ट होनी है उस एज में ख़त्म हो रही है। क्यों आखिर इस तरह की कंडीशन एक बच्चे की हो जाती है कि वो अपना आप ख़त्म करने पे आ जाता है, और कुछ बच्चे जो हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अपनी बात ना तो किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, ना ही जो उनके साथ हालात चल रहे होते हैं उनको फेस कर पाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस डिप्रेशन की चक्की में पिसते चले जाते हैं। उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उनकी बैड हेल्थ कंडीशन, उनकी बैड मेंटल हेल्थ कंडीशन, उनके बैड ग्रेड्स। एक टॉपर बच्चा, एक अच्छा बच्चा, एक क्रिएटिव बच्चा अगर मार्क्स गंदे ला रहा है,
अगर वो अपने ग्रेड्स गंदे ला रहा है तो इसमें कसूर उस बच्चे का नहीं है, उसके साथ पेश आने वाले हालात का। पेरेंट्स, कुछ टिपिकल पेरेंट्स जो हैं, कुछ पेरेंट्स इस हवाले से सख्ती करते हैं कि बच्चों को सख्ती में रखेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे। माँ या बाप दोनों में से खुद एक खुद को थोड़ा सेंसिटिव रखें, बच्चों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें, एक खुद को स्ट्रिक्ट रखें ताकि बच्चे जो हैं वो कंट्रोल में रहें, लेकिन साथ साथ माँ या बाप में से एक बच्चों के साथ कनेक्टेड रहे हर टाइम ये सुनने के लिए कि क्या बच्चों के साथ किसी किस्म का कोई हादसा पेश तो नहीं आ रहा, क्या बच्चों के साथ किसी किस्म के ऐसे हालात तो नहीं चल रहे जिसकी वजह से वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा। ये कंडीशंस जो हैं ये हमारी लाइफ का पार्ट है। कुछ बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि अगर वो एक मरतबा गिरे हैं वो खुद को उठाकर खुद को मजीद अच्छा बना लेंगे, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बच्चों को ज़रूरत होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को ज़रूरत होती है कि उनका मुश्किल वक्त में उनको कोई हौसला दे। बहुत से केसेस हमारे साइट्स पे आते हैं, इवन स्पेशली ऑन द रिजल्ट डे बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। किस वजह से? अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बुरा आ रहा है, नाइन्थ का बच्चा है, वो टेंथ का है, इंटर का है, तो इसमें अगर उस बच्चे के मार्क्स उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, उसकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कम आ रहे हैं तो डेट्स ओके। अ वन पेज कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड। एक डिग्री का पेज बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इट्स ओके कि अगर उसका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं पहुंचा। अगर तो वो पूरा साल नहीं पढ़ा और आप उसे कह कह के थक गए हैं तो डेट्स योर राइट कि आप उसे डांटो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो बच्चा डिसअपॉइंट हो जाए। और अगर एक पढ़ने वाला बच्चा गंदे मार्क्स लेकर आ रहा है, बुरे उसके ग्रेड्स बैड लक के थ्रू आ गए हैं, That's okay, it's a part of a life. लेकिन अगर आप उसको वहां पे डिस्क्रेस कर रहे हो, अगर आप उसको वहां पे पॉइंट आउट कर रहे हो कि व्हाट इज दिस, ये रिजल्ट वो नहीं है जो हम लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट्स ओके, उसको टाइम दे। अचानक से इधर से पेरेंट्स स्टार्ट, व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या रिजल्ट है, ये क्या ग्रेड्स हैं, फैमिली प्रेशर, रिश्तेदारों रिलेटिव्स का रिजल्ट क्या है, फला फला फला, व्हाट इज दिस। बच्चा उस टाइम बच्चा ही होता है, आप उसे इस कदर अंडर प्रेशर ले आते हैं कि उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, डेट इज द सुसाइड, और वो बच्चा सुसाइड की तरफ निकलता है। एक साल उसे दे देने से उसकी जिंदगी बचाई जा सकती, लेकिन नहीं, डिप्रेशन स्टार्ट हुआ फैमिली से। अपने बच्चों को टाइम जरूर दें। इवन टीन एज इज अ वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ लाइफ। एक एज जब बच्चा बचपना छोड़ रहा है और जवानी की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट एज। एक जो मिड पॉइंट है वो वाला, जब बच्चा अपना बचपना छोड़ रहा है और जवानी की तरफ बढ़ रहा है, वो जो स्टेज है इट इज द मोस्ट डेंजरस एंड डिफिकल्ट स्टेज। वहां पे आके उस बच्चे ने अपना रास्ता चूज करना है कि क्या मुझे राइट पाथ पे जाना है या रॉन्ग पाथ। एंड यू ऑल नो दैट कि बुरा रास्ता जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही लगता है, राइट पाथ सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, और बच्चे अपनी आसानी के लिए उस रॉन्ग पाथ को चूज कर लेते हैं। क्यों? फैमिली प्रेशर, द मेन रीजन ऑफ डिप्रेशन। अक्सर बच्चे डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। अगर हम लोग बॉयज की बात करें तो वो क्या करेंगे, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन,
तरह तरह की फजूल चीजें स्टार्ट कर दी। एक बच्चा 9-10 के लेवल पे आजकल हमें दिखने में आ रहा है कि बच्चे ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। क्यों? हमारे पेरेंट्स, उनके पीछे से इंसेस्टर्स जो हैं, उन्होंने तो कभी इस चीज का सहारा नहीं लिया। तो आज बच्चे इतनी यंग एज में क्यों ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं? इवन दैट गर्ल्स इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। क्यों ड्रग बच्चों के लिए एक रिलीफ का जरिया बन रहे हैं? क्यों आज बच्चों को अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए इन ड्रग्स का सहारा लेना पड़ रहा है? तालीम, शायद हम लोग जिसमें आज बहुत पीछे रह गए। तालीम तो हमने ले ली, इलम नहीं सीख पाए। जब एक बच्चा ड्रग्स की तरफ गया, जब एक बच्चा डिप्रेशन की तरफ गया, यू फेल एज ए पेरेंट्स, यू फेल एज ए टीचर, यू फेल एज ए फ्रेंड। आपकी नजर में आपके साथ रहते हुए एक बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, आपके साथ आपके अंडर रहते हुए एक बच्चा जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, एंजाइटी की तरफ जा रहा है, डेट इज योर फॉल्ट। इसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसका तरीका क्या है, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है इन सब चीजों से, इन सबसे कैसे बच्चों को छुटकारा दिलाया जा सकता है? बी अ फ्रेंडली पेरेंट्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अपने बच्चों को जाया होने से बचाएं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, आई नो डैट, बट इट्स ए ट्रू पाथ। बेटा और बेटी में फर्क मत करें। अगर आप बेटे को 1 घंटा दे रहे हैं तो अपनी बेटी को भी 1 घंटा लाजमी दें। शायद एक बेटी इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि उससे वो तवज्जो नहीं मिल पा रही जो उसके भाई को मिल रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बड़े नुकसान करवा देती है। अपने बच्चों की लाइफ सेव करें, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करें और इस कौम को एक हेल्दी, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ, मेंटल जो हेल्थ है उसके हिसाब से भी इस कौम को हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में अपना अपना रोल प्ले कर। बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं जिनको अपनी जॉब अजीज है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। जॉब आप कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ही हाथों से उसी पैसे से अपने बच्चों की लाइफ तबाह कर। तो काइंडली इस चीज की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को देखें, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाकर इस नेशन को रिप्रेजेंट करना है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इस तरह के बच्चों ने ही हमारी कंट्री को आगे लेकर जाना है। और इंशाल्लाह अगर आज से ही हम लोग अजम कर लेंगे, हम लोग अपने बच्चों को इस तरीके से लेकर चलेंगे कि हमें किसी टीचर के ऊपर, हमें किसी दूसरे पर्सन के ऊपर इस तरीके से रिलाई डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि वो हमारे बच्चों को ठीक करें। एक माँ जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, बीमार होने पर वो अपने बच्चों के लिए डॉक्टर बन जाती है, उनका फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो एक अच्छी टीचर बन जाती है, और उनको गलत रास्ते से रोकने के लिए एक बाप भी वो बन सकती, और अपने बच्चों को कंसोल करने के लिए, अपने बच्चों को ठीक रखने के लिए वो उनकी एक अच्छी दोस्त भी बन जाती है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, जो जो मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा नरमी करें और ना ही बहुत ज़्यादा सख्ती करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एट द एंड। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी है, कोई भी अगर आप लोग मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप अपने खूबसूरत अल्फाज का इजहार करें। थैंक यू सो मच
मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह।